लेकिन बात जरा उस मामले पर जो मुल्क के अंदर काफी ज्यादा गरमाया है और जिस पर सियासत खूब की जा रही है। मामला अदालत उज़्मा में भी पहुंच गया है और बात हम आपको बताने जा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के अंदर जो मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर से मुतसिल जो ज्ञानवापी मस्जिद है इस मामले की समाअत की और कल का दिन काफी अहम है। कल दोबारा से इस पर समाअत होगी लेकिन उससे पहले वाली जो पहले दिन की गुज़श्ता रोज समाअत हुई क्या चीजें निकलकर सामने आई वो जरा आपके सामने रखें। अदालत के जरिए वीडियोग्राफिक सर्वे के हुक्म को चैलेंज करने वाली जो अंजुमन इंतजामिया जो मस्जिद कमेटी है उसकी दरख्वास्त पर समाअत जब शुरू की तो अदालत उज़्मा ने इस मामले में हिंदू दरख्वास्त गुजारों और यूपी हुकूमत को भी नोटिस जारी किया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो आज के वक्त में ऑब्जर्वेशन नोटिस जारी कर सकती है क्योंकि समाअत की अगली तारीख तक हम एक हिदायत जारी करेंगे और कुछ अहकाम जो जारी किए गए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें नहीं की गई हैं। डीएम वाराणसी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि फवारा के इलाके जिस पर शिवलिंग होने का दावा है उसको भी एक प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाराणसी अदालत को वाराणसी डीएम को कहा गया। दूसरी बात ये कि सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हों जिन पर दावा है लेकिन ये मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिले पर रुकावट न बने इस बात को भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी यकीनी बनाए। दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की हैं, एक तो कि जिस फवारे पर जिसे जो मुस्लिम फरीक फवारा बता रहा है और हिंदू फरीक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कदीम शिवलिंग है उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर भी हिदायत दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि नमाजियों को अंदर जाने की इजाज़त मिले, उन्हें किसी तरह की रुकावट पेश ना आए, मुश्किलात से उन्हें ना गुजरना पड़े, इस बात को भी यकीनी बनाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मौकिफ है कि वो हुक्मनामा वापस करेगी और हुक्म के इस हिस्से की हिफाजत करेगी जहां फवारा है लेकिन बाकी हुक्म पर रोक लगा दी गई है और ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगर शिवलिंग मिल गया है तो डीएम इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाए और अब पूरा इलाका जो जहां पर ये दावा किया गया था उसके इर्द गिर्द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज बल्कि यूपी पुलिस बाहर वाले हिस्से को और अंदर वाले हिस्से को सीआरपीएफ प्रोटेक्ट कर रही है और आज का दिन जब गुजरेगा तो कल का दिन और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल दोबारा से समाअत तय की गई है उस अर्जी पर जिसमें मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और ये कहा गया कि आप जाकर इस मामले पर इसलिए सियासत रुकनी चाहिए ये कदीम फुआरा है। दूसरी बात ये भी है कि जब इस अर्जी पर समाअत हो रही थी तो मजीद दो अर्जियां चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और दो हिंदू खवातीन की तरफ से मुतालबा किया गया है कि मस्जिद की या शिवलिंग के पास वाली जो दीवार है उसको भी फौरी तौर पर तोड़ा जाए, उस दीवार को भी मुनदम किया जाए, वहां पर भी कुछ दावे हैं लेकिन उससे पहले इस केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ अहम हिदायत डीएम वाराणसी को दे दी गई हैं। जहां मुल्क के इस हसास मामले पर सबकी नजर है वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई संगीन बन रही है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों के अंदर इजाफी फोर्सेज को तैनात कर दिया गया है क्योंकि दोनों फरीकों के बीच यानी एक तरफ से मुस्लिम और एक तरफ से हिंदू एक दूसरे आमने सामने है क्योंकि मामला वहां पर ईदगाह मस्जिद का भी है जहां पर सूरत हाल इंतहाई पुरतनाव बन रही है।